हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और सो गाइस, आज है नवरात्रा का फर्स्ट डे, जो कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज से कोशिश रहेगा मेरा डेली ब्लॉग आने का। सो गाइस, मेरे ब्लॉग को देखते रहे और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज का दिन देखते हैं कैसा रहता है स्टार्टिंग से। अभी तो फिलहाल मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मतलब ब्लॉग पहले स्टार्ट कर चुकी थी, बट अभी नहाने के बाद वो फर्स्ट इंट्रो देना मैं भूल गई थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है गाइस। तो फर्स्ट इंट्रो देना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी दे रही हूँ। सो गाइस, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखें। और आज कुछ स्पेशल होने वाला है शाम को। सो गाइस, मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा, तब समझ में आएगा शाम में क्या स्पेशल है। आज माता रानी का फर्स्ट डे है, जो कि आज हम लोग को शाम में स्पेशल करने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहे गाइस। गेट खुलेगा तो हो जाएगा। देखो, जाएगा? गेट बाहर खुलेगा कि अंदर खुलेगा? अंदर। नहीं, बाहर खुलेगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक ठो ऐसे करके फंसा देते हैं। करिए पुशअप, करिए पुशअप, हाथ आ आगे, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 start. गाइस, मैं जिम से आ गई हूँ, अब जा रही हूँ जल्दी से नहाती वहाती हूँ। आज माता रानी का पहला दिन है, 3 अक्टूबर,
तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने जाते हैं, फिर थोड़ा पूजा वूजा करेंगे। बाहर होगा क्या? तुम गौरी सी सबकर प्यारी सी योगी, तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे, रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरा रूप नर सिंगा को अम्बा प्रकट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण नाचो को स्वर्ण मठ पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, चिर सिद्धू में करत विलासा, दया सिद्धू दीजिए मन आशा, अंगी राज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी मात्र। हाँ गाइस, शाम का समय हो गया, सभी को एक गुड इवनिंग। देखिए 5:30 बज रहा है और हम बोले थे ना कि शाम के समय में कुछ खास होने वाला है। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं माता रानी के पास, जो साक्षात मूर्ति होता है ना मंदिर में, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे पाठ भी हो रहा है, दुर्गा पूजा भी हो रहा है, वहीं पर मैं जा रही हूँ। और देखिए ये मेरे मछली कितने ज़्यादा साउंड कर रहे, देखिए कितने बड़े हो गए मछली, इतना बदमाशी करते हैं ना। ए चंगू मंगू, अभी नहीं डरा, नहीं तो बहुत अच्छे से खाना दे दिए ये लोग को, सब कुछ दे दिए हैं। अब जा रहे हैं मंदिर, देखिए बिल्कुल शाम हो गया है। और हाँ गाइस, एक चीज़ दिखाना है, सुबह हम बोले थे ना कि वो फूल का कलर बदलता है। सो गाइस देखिए, ये सुबह में वाइट था, वाइट से लाइट पिंक, लाइट पिंक से भी डार्क पिंक हो गया, कितना सुंदर ये फूल लग रहा है, देखिए दिख रहा है ना, एकदम डार्क पिंक हो गया है। अभी थोड़ा देर में भी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, एकदम डार्क पिंक हो जाएगा। सो गाइस ये वाला फूल जो है ना, वो माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनका प्रिय फूल है ये, इसलिए ये चढ़ता है उनमें। और हमारे मोहल्ला में बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, बट 2-3 पेड़ हैं हमको लगता है, एक सामने में, एक उधर उधर भी है, बहुत जगह है, 2-3 जगह है मेरे ख्याल से, तो काम चल जाता है सब। तो हम लोग के पास घर पे जगह नहीं है कि इतना बड़ा पेड़ लगाए, एक्चुअल में इसका पेड़ होता है, पौधा नहीं होता, बड़ा सा पेड़ होता है। सो गाइज अब चलिए मंदिर चलते हैं, जल्दी से रेडी, हम रेडी वेडी हो गए हैं। देखिए मैंने ये कुर्ती पहना है, नीचे
नीचे जींस पहन लिए हैं, अब जा रहे हैं मंदिर, जल्दी से आते हैं, फिर आकर घर में दिया भी दिखाना है। अभी हम ओट्स फिलहाल खा लिए हैं और फिर अब रात में देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस चलते हैं मंदिर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर, मंदिर की ओर, वहाँ पे थोड़ा आरती वारती कर लेते हैं, उसके बाद आपको माता रानी का दर्शन करवाएंगे। मेरे ब्लॉग में बने रहे गाइस। और ये जो बोल रहे थे सामने कुछ स्पेशल होने वाला है, वही स्पेशल सामान है इस पर, अब देखिए क्या होता है आगे पता चलेगा। ना इवनिंग में कुछ खास होने वाला है, तो इसमें कुछ खास चीज़ है जो कि माता रानी पहनेगी, और फिर उसके बाद कैसी लगती है माता रानी पहनने के बाद आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे गाइस, तब पता चलेगा कि कैसी लगती है माता रानी। मैं लाइट ऑन कर रही थी बाहर का। चलिए चलते हैं मंदिर। ये मेरी मम्मी है, मम्मी अपने फ्रेंड का वेट कर रही है, जो कि वो भी जाएगी मंदिर साथ में, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। साथ में जाने में अच्छा लगता है ना, इसीलिए यहीं पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ पे दो एक मम्मी है और एक मम्मी की फ्रेंड मतलब आंटी, मेरी आंटी लगेगी। देखिए ये मंदिर है, तीन बड़ा बड़ा मंदिर है, एक नहीं तीन नहीं चार है, एक बजरंग बली का भी है। ठीक है, हम लोग गेट से जस्ट एंट्री कर चुके हैं, अब जा रहे हैं मंदिर। देखिए यहाँ पे पूरा साफ सफाई हो गया है, क्योंकि यहाँ अष्टमी को और नवमी को डांडिया भी होता है, इसलिए जितना भी घास वास था तो सब कुछ साफ हो गया है, बहुत साफ दिख रहा है एकदम। ये तो बरसात की वजह से बहुत सारा घास हो गया था, तो अभी पूरा साफ कर दिया है। चलिए किनारे में अपना स्लीपर खोल लेते हैं हम लोग, अब आप लोग को मंदिर का दर्शन कराते हैं। देखिए ये सबसे पहले बजरंगबली का मंदिर है, उसके बाद अब अंदर चलते हैं हम लोग, अंदर दुर्गा मैया का है और शंकर भगवान जी का है और सूर्य भगवान जी का है। यह तीन मंदिर हैं जो कि आपको बाहर से भी दिख रहा था कि तीन मंदिर हैं। देखिए मम्मी वो बात कर रही है कि माता रानी को हम लोग, माता रानी के हम लोग एक्चुअल में चुनरी लेकर के आए हैं, रेडीमेड चुनरी, वही पहनाना है। तो देखिए माता रानी ऑलरेडी एक नया कपड़ा पहने हुई है, इसलिए हम लोग को बोला गया कि आप लोग दो तीन दिन के बाद माता रानी को चुनरी ओढ़ा दीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। देखिए यह माता रानी का मूर्ति है जो कि यहाँ पे पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है मतलब। और देखिए यहाँ पे शंकर जी का है, सभी कोई आरती वारती कर रहे हैं हम लोग, अभी सब कुछ कर रहे हैं, अब हम लोग भी करेंगे। यहाँ मम्मी आरती लगा रही है दिया में बत्ती और घी बत्ती, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग भी आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दिया दिखाएंगे, फिर आरती होगा चम्मच भी है, जो कि दुर्गा आरती होता है यहाँ पे शाम के समय 6:30 बजे आसपास होता है दुर्गा आरती। सो गाइस मेरे ब्लॉग में रहिएगा तो आप लोग को दुर्गा आरती भी दिख जाएगा, क्योंकि ये माता रानी हम लोग कितनी प्यारी लग रही है माता रानी, क्या ही बताएं, किसी का नज़र ना लगे माता रानी को। अब माता रानी से यही मनोकामना है सभी कोई के लिए कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए, है ना गाइस। बस सबके लिए मैंने कुछ अच्छी अच्छी विशेज मांगी है। और देखिए ये बाहर का तालाब है जो कि छठ होता है यहाँ पे, कितना